आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उस पर हम बात करेंगे, उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसे देखेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मेनली हमारे पास, आप सभी लोग जानते हो, जब भी हम डायरेक्शन को, ठीक है, प्लॉट करते हैं पेपर में, तो जब भी प्लॉट करते हैं तो हमारा जो प्लॉट होगा और यहाँ पे जो सीधे होगा ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, और हमारा जो आपका बायां हाथ होता है इधर वेस्ट होता है और दाहिनी तरफ ईस्ट होता है, ठीक है, ये होता है मेन, क्योंकि इसी से सब कुछ, पूरा डिस्टेंस डायरेक्शन आपका शुरू होता है और इसी पर ही ख़त्म होगा। ठीक, डिस्टेंस डायरेक्शन एक ऐसा चैप्टर है आपका कि आप लोग इससे काफ़ी फेमिलियर हो, ठीक, आप भी जब भी कहीं जाते हो आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे शहर में बात करें, कोई भी अगर अनजान जगह है जहां आपको जाना है, तो इस समय तो गूगल मैप है जो आपकी काफ़ी सहायता कर देता है। आपने मैप पर एड्रेस डाला, आपको बता देगा कि हाँ भैया चलो राइट जाना है, फिर लेफ्ट टर्न लेना है, फिर राइट टर्न लेना है, फिर लेफ्ट चलना, आपका मंजिल आ जाएगा। मगर जहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तब क्या करना है, आप जब जाते हो, जैसे गांव में हुआ, अगर गांव गए आप लोग तो आपके घर वाले कहते हैं चला अच्छा ये फला रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ, ये काम है उनको करके चले आओ, ठीक, तो आप उठाते हो, कभी गए तो होते नहीं हो, ये पता रहता है कि हमें ऐसे इसी रोड से जाना है, फिर पूछते हुए जाते हो, क्योंकि वहाँ गूगल मैप आपका काम नहीं करता है। तो जब आप वहाँ का गूगल मैप काम नहीं करता है तो आप वहाँ जाते हो, वहाँ पे एरिया पे रुकते हो, वहाँ किसी से पूछते हो, कोई मिल गया, बूढ़ा मिल गया, चल पूछोगे अच्छा अच्छा ये कहाँ जाता है गांव, ये किधर से जाएँ इस रास्ते पे, तो चाचा आपको बताते हैं, कैसे बताते हैं कि बाबू सीधे चले जाओ, वहाँ से दाहिने मुड़ जाइयो जो पहला है, ओके बाद फिर बाएँ जाइयो, फिर सीधे जो आएगा चक्रोड तो वहाँ से सीधे दाहिने हो जाइयो, जो सीधे उत्तर की तरफ घर दिखेगा वो फलाने घर है, ठीक। तो ये आपका डिस्टेंस डायरेक्शन आपके ही घर से शुरू होता है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको डायरेक्शन आना चाहिए, ठीक, कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, किधर को दाएं मुड़ना क्या होता है, बाएं मुड़ना क्या होता है, ये सब जान जाते हो। उस समय ये नहीं सोचते हैं कि दाहिना हाथ है तो इधर मुड़ना है, आपका इंट्यूशन दिमाग काम कर देता है, हाँ ये दाएं है, तुरंत मुड़ना शुरू कर देते हो। तो अब देख लेते हैं हम, मेनली हमारे पास जो डिस्टेंस डायरेक्शन में चार आपके मेन डायरेक्शन होते हैं, इसको जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आपके चार डायरेक्शन होते हैं, मेन डायरेक्शन होते हैं। इसी में आपके सब डायरेक्शन होता है, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, और ये क्या होता है आपका जो साउथ और ईस्ट के बीच में पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, और ये क्या होता है साउथ वेस्ट, और ये क्या होता है आपका नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपके सब डायरेक्शन हो जाते हैं चार। हर एक डायरेक्शन आपका, जैसे ये मेन डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट, इनके बीच में जो ये बोला जाए एंगल, वो कितने डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है, ठीक। और सब डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन से और इस सब डायरेक्शन के बीच का कितने का होता है, 45 डिग्री का होता है, ठीक है। तो सपोज करो, एक एग्जाम्पल है कि तुम अपने घर से निकले और उत्तर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, उसके बाद दाहिने मुड़ना है, तो ये जो दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना मतलब लेफ्ट टर्न राइट टर्न, ये होता कैसे, उस पर हम जिक्र करेंगे कैसे इसे लेफ्ट टर्न और राइट टर्न हमें लेना है, कितने उस पर मुड़ते हैं। जब भी आप परेड देखते होगे तो उसमें बोला जाता है कि परेड दाहिने मुड़, तो क्या होता है दाहिने जब वो मुड़ते हैं, नहीं कि इतना थोड़ा सा मुड़ते हैं, दाहिने जब भी वो मुड़ते हैं तो टोटली कितना 90 डिग्री मुड़ते हैं, ठीक है, 90 अंश के कोण पे वो लोग मुड़ते हैं। तो जब भी राइट टर्न हो, तो यहां से अगर कोई नॉर्थ में जा रहा है तो वहां से अगर राइट टर्न मुड़ना है आपको तो 90 डिग्री मुड़ोगे, दाहिने हाथ की तरफ से 90 डिग्री मुड़ोगे तो कहां पहुंच जाओगे, ईस्ट में पहुंच जाओगे। इसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको, जैसे मेनली तो यही होता है आपका राइट टर्न दाएं मुड़ना और लेफ्ट टर्न, इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हर बार अपना हाथ लेके इधर राइट और लेफ्ट करते रहेंगे, ठीक, वो आज कंफ्यूजन दूर कर देंगे हम आपको, कि आपको बार बार अपने रिस्पेक्ट में राइट और लेफ्ट नहीं देखना होगा, ठीक। तो चलो देखते हैं ये कि हमारे ये डायरेक्शन है,
मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। सपोज करो तुम यहाँ हो और नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, तुम्हें राइट मुड़ना है। तो जब भी राइट मुड़ना है तो क्या करोगे, आप राइट साइड में जाओगे, अपने आप को सोचो कि नॉर्थ में मैं फेस कर रहा हूँ, राइट मुड़ना है तो आपका राइट हैंड ये है और राइट हैंड है तो इसी तरफ हमें मुड़ना होगा, तो हम ऐसे मुड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से अब यहां से जब राइट, अभी तो जब नॉर्थ में थे तो राइट हम मुड़े, तो इस हैंड में राइट हैंड में मुड़ गए। मान लो सपोज करो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ फेस किए हुए हैं, तब हमें राइट मुड़ना हो तो हमारा राइट हैंड किधर पड़ेगा, इस साइड पड़ रहा है तो इस साइड हम मुड़ जाएंगे। सपोज करो साउथ की तरफ फेस किए हो, तो जब भी अपने आप को साउथ की तरफ मूव करोगे तो आपका राइट हैंड जिस टाइप पड़ेगा उसी टाइप साइड आपको मुड़ना होता है, तो आपका राइट हैंड साइड इधर पड़ेगा, ठीक है। ये राइट टर्न हम ले रहे हैं, मतलब दाहिने मुड़ रहे हैं। फिर यहां वेस्ट की तरफ हो, अगर राइट टर्न बोला जाए तो आप यहां से फेस किए हो वेस्ट की तरफ, आपको अपने हाथ जो दाहिना हाथ है उधर की तरफ मुड़ना है, तो ये आपका राइट हैंड हो जाएगा, तो राइट आप मुड़े। अब इसमें आपको दिख रहा है कि ये देखो, ये राइट टर्न हुआ, ये राइट टर्न हुआ, ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये देखो, ये टर्न देखो किस तरह से चल रहा है, ये घड़ी की दिशा में चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो जो राइट टर्न है उसे हमेशा याद रखो कि वो क्लॉकवाइज टर्न होगा, ठीक, घड़ी की दिशा में ही घूमेगा। तो बार बार अपने आप को जब भी क्वेश्चन में बोला जाए तो ऐसा नहीं अपने आप को वहां पे रख के, हाँ कि चलो हम ईस्ट की तरफ जा रहे थे, अब दाहिने मुड़े तो हम दाहिना हाथ इधर है तो इधर मुड़ जाए, ठीक। तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि जब जान जाओगे कि राइट मतलब क्या होता है, आपका क्लॉक वाइज टर्न होता है। उसी हिसाब से अगर लेफ्ट में देखें हम, ठीक है, लेफ्ट टर्न की बात करें कि लेफ्ट टर्न क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, आपको अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है आपका, ये वेस्ट है, हम माने कि अभी नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं, हमें बाएं मुड़ना है, तो आपका बाया हाथ इस साइड है तो बाएं ऐसे मुड़ोगे, और जो भी मुड़ोगे वो 90 डिग्री पे ही मुड़ोगे, तो जैसे बाएं मुड़ोगे तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि इस साइड में कौन सी है, वेस्ट है। सिर्फ फिर यहां अगर वेस्ट की तरफ चल रहे हो, वेस्ट की तरफ फेस किए हो, आपका फेस है, फिर बाएं मुड़ना है तो ऐसे मुड़ोगे, साउथ की तरफ फेस है तो ऐसे मुड़ोगे, ईस्ट की तरफ आपका फेस है तो कुछ ऐसे मुड़ोगे। तो ये जो देखो, जब हमें लेफ्ट मुड़ना होगा, बाएं जब मुड़ना होगा, तो हमारी जो डायरेक्शन है कुछ ऐसे आ रही है, और ये डायरेक्शन क्या, घड़ी की उल्टा डायरेक्शन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, वामावर्त, ठीक है। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो ये याद रखो, जब भी राइट टर्न बोले, जब दाएं मुड़ना बोले तो क्लॉकवाइज घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमना है, और जब लेफ्ट टर्न बोले तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। कभी अपने आप को वहां पे फिगर में एज्यूम करके मत करना, हमेशा कंफ्यूज रहोगे और टाइम भी ले जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका जो भी यहां पे डायरेक्शन दिया है आपका, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहां आपका सब डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, हर एक डायरेक्शन आपका किस पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। जब भी आपसे राइट टर्न बोला जाए तो ये याद रख लो कि राइट टर्न मतलब होता है, दाएं मुड़ने का मतलब होता है कि क्लॉक वाइज में हमें कितना टर्न लेना है, 90 डिग्री का टर्न लेना है। मतलब अगर आप उत्तर की तरफ जा रहे हो, आपसे दाहिने मुड़ने के लिए बोला जाए तो उत्तर की तरफ जाओगे, तो वहां से दाहिने 90 डिग्री मुड़ोगे, तो 90 डिग्री दाहिने मुड़ोगे तो किधर आ जाओगे, ईस्ट में आ जाओगे, और ईस्ट से अगर 90 डिग्री आप दाहिने मुड़ोगे तो साउथ में आ जाओगे। और जब भी आपसे लेफ्ट टर्न की बात किया जाए कि आप बाएं मुड़ो, तो लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉक वाइज आपको टर्न लेना है, वामावर्त आपको घूमना है, वो भी कितना, 90 डिग्री, ये नहीं कि थोड़ा सा यहाँ ऐसे थोड़ा सा कहीं आ गए तो आपका दाएं मुड़ गए, ठीक। तो पूरा का पूरा 90 डिग्री टर्न लेना है, जैसे नॉर्थ में जा रहे हो और एंटी क्लॉक वाइज आपको घूमना है, मतलब लेफ्ट टर्न लेना है, तो आपका पहला अगर लेफ्ट टर्न लोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, 90 डिग्री घूमोगे डायरेक्ट, तो वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है आपका लेफ्ट टर्न और राइट टर्न का, उसी पे हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन किस किस टाइप से बनते हैं। चलो आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। टाइप वन हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें बोला जब प्रारंभ की दिशा दी गई हो, मतलब आपको स्टार्टिंग जब डायरेक्शन है अगर दिया गया हो, तो उस समय
स्टार्टिंग डायरेक्शन दिया गया हो, पहला टाइप का क्वेश्चन एकदम बेसिक से क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि आपका स्टार्टिंग जो डायरेक्शन वो दिया है, फाइनल डायरेक्शन निकालना है, मतलब कोई व्यक्ति है उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन दिया कि इस दिशा में जा रहा है और दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा कितनी बार भी, उसके बाद से लास्ट में जिस दिशा में वो फेस कर रहा है वो डायरेक्शन आपको निकालना हो। जब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपके एग्जाम में इस टाइप से एक क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। तो देख लेते हैं, इससे बोला है विजय उत्तर की ओर जा रहा है, उसके बाद में वो दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, बताइए कि विजय अब किस दिशा में जा रहा है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन हो तो आप बेसिक से क्या करते हो, डायग्राम बनाते हो, जो इसका बेसिक मेथड है लगाने का डिस्टेंस डायरेक्शन में, कि जैसे जैसे बोला जिस डायरेक्शन में, तो पहले का काम तो ये आप जो डायरेक्शन वाला होता है फिगर जो मैंने बताया कि पेपर में आपको प्लॉट करना हो तो डायरेक्शन को ऐसे प्लॉट करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, इसे प्लॉट कर लो और साथ ही साथ इसके सब डायरेक्शन भी लिखे रहो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, इन सबको लिखे रहो ताकि आपको अंदाजा रहे कि किधर कौन सी डायरेक्शन है। तो अभी जो क्वेश्चन में जैसे बोला कि विजय उत्तर की तरफ जा रहा है तो मैं उत्तर की तरफ चला, क्योंकि नॉर्थ किधर है आपका, इस पेपर पे नॉर्थ ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ मैंने उसे बढ़ा दिया, चलो कुछ डिस्टेंस चल रहा होगा, डिस्टेंस उस पे नहीं दिया है, अभी सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा है। उसके बाद से वो जाने के बाद क्या पूरा, पहले दाएं मुड़ता है, सपोज करो चलो दाएं मुड़ गया, ये यहां से अगर खड़ा है दाएं मुड़ेगा तो पूरा 90 डिग्री पे दाएं मुड़ेगा, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। तो ये दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ा तो तुरंत इमेज करो कि ये दाएं हाथ है और आपका क्लॉकवाइज में घूमना है, ऐसे क्लॉकवाइज दाएं टर्न होना है। उसके बाद से फिर बोल रहा है कि दाएं मुड़ा एक बार और, फिर दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ा मतलब क्लॉकवाइज फिर ऐसे घूमेगा, फिर यहां से 90 डिग्री घूमेगा, ठीक है, दाहिने घूम गया। उसके बाद फिर बोल रहा है कि बाएं मुड़ा, अब यहां बाएं मुड़ना है, अब घड़ी की दिशा उल्टी दिशा में चलेंगे तो इस पॉइंट पे है और इसके उल्टी दिशा में हमें घूमना है तो ऐसे घूमेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बाएं घूम गया ये, ठीक। उसके बाद से फिर बाएं घूमा, अब इस पोजीशन पे है तो आप इस तरफ फेस कर रहे हो तो आपका बायां हाथ किधर है, ये साइड है, फिर बाएं मुड़ना है तो इधर चला गया, ठीक है। तो ये आपका बन गया, ये भी क्या किस डायरेक्शन में, देखो क्लॉक के उल्टी डायरेक्शन में है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो उसके बाद फिर बाएं मुड़ा, दो बार बाएं हो गया, तो आपका यहां पर पता चला कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ की डायरेक्शन है तो ये नॉर्थ में जा रहा है। ऐसे पूरा डायग्राम बनाओगे तब बाद में तुम्हें पता चलेगा कि वो लास्ट में किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। मगर हमें इस क्वेश्चन के लिए आपको ये डायग्राम पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, चाहे वहां डिस्टेंस दिया हो चाहे ना दिया हो, ठीक है। आपको अगर लास्ट में सिर्फ इतना पूछ रहा है कि वो किस दिशा में जा रहा है, ठीक, आपसे डिस्टेंस नहीं पूछा है, और एक बात और ध्यान रखना कि आपको रिस्पेक्ट में नहीं पूछा है कि शुरुआत के जो उसका है डायरेक्शन उसके रिस्पेक्ट में लास्ट के डायरेक्शन नहीं पूछी है, तब आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल से अगर पूछा है आपसे कि वो किस दिशा में जा रहा है तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। इस केस में टाइप वन वाले केस में आप क्या करोगे, जितनी बार जो टर्न बोला है कि दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा उसे लिखना है, सिंपल सी बात जैसे मैं बता रहा हूं। अब इसकी ट्रिक देखो क्या है कि बोल रहा है कि हमें दाएं मुड़ा, जितनी बार दाएं हैं वो लिख लो, एक बार दाएं दो बार दाएं, मतलब एक बार राइट टर्न लेता है, उसके बाद दूसरी बार राइट टर्न लेता है, फिर क्या लेता है बाएं लेता है मतलब लेफ्ट टर्न लेता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है। तो जितनी बार राइट टर्न ले जितनी बार लेफ्ट टर्न ले सबको लिख लो और जोड़ लो दोनों को, कितने हो गए, दो राइट टर्न हो गए और दो लेफ्ट टर्न हो गए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, राइट मुड़ना और लेफ्ट मुड़ना। सपोज करो कि तुम इधर नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, ठीक है, अब यहां से जब राइट टर्न लोगे तो कहां आ जाओगे, ईस्ट में आ जाओगे, एक लोगे तो फिर से वहीं से लेफ्ट ले लोगे एक तो उसी डायरेक्शन में फिर पहुंच जाओगे, तो कैंसिल हो गया ना, एक बार अगर राइट घूमे दाएं घूमे तो कहां पूर्व दिशा में चले गए, और फिर से वहीं से बाएं घूम जाओगे तो फिर से उसी दिशा में चले जाओगे जिस दिशा से आए थे, तो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो दो राइट यहां है दो लेफ्ट यहां है, ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, इसका मतलब जिस दिशा में वो था उसी दिशा में अभी भी है,
कोई उसके दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो किस दिशा में था शुरुआती में? उत्तर में था, तो अभी भी किस डायरेक्शन में होगा? उत्तर में ही होगा, यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो बोल रहा है, अब इसमें देखो डिस्टेंस भी दिया है कुछ किलोमीटर, और लास्ट में हमें सिर्फ लास्ट देखना है कि लास्ट में हमसे पूछ क्या रहा है। लास्ट में जिस भी क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस पूछ देता है तो समझ लो इस टाइप से वो क्वेश्चन नहीं होगा, उसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। या लास्ट में आपको स्टार्टिंग से लास्ट की डायरेक्शन, ठीक है, स्टार्टिंग के रिस्पेक्ट में लास्ट की डायरेक्शन पूछता है, रिस्पेक्ट में पूछता है, तभी भी आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। जहां केवल आपको सिर्फ लास्ट की डायरेक्शन मतलब अंत की दिशा पूछता है वहां आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। उस टाइप को क्वेश्चन को कहते हैं टाइप वन टाइप का। ठीक है, इसीलिए मैं टाइप वाइज लेके आपको चल रहा हूं। तो इसमें बोल रहा है कि मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, इसके बाद दाई ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। बेसिक से करोगे इसे तो पहले क्या करोगे सिंपल से कि 3 किलोमीटर दक्षिण पहले तो ये बना लो, ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। दक्षिण किधर है भाई? नीचे की तरफ है, प्लॉट करना है पेपर में तो नीचे की तरफ है, तो दक्षिण की तरफ गया। उसके बाद से कितना 3 किलोमीटर, यहां 3 लिख लेते हैं। बाद में दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, दाहिने मुड़ा है मतलब क्लॉक वाइज में मुड़ेगा, क्लॉक वाइज मतलब यहां से टर्न होगा, तो दाहिने मुड़ा कितना चला 5 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला, फिर 7 किलोमीटर चला, यहां से फिर क्लॉक वाइज में मुड़ेगा मतलब घड़ी की ही दिशा में ये चलेगा पूरा दाएं में मुड़ रहा है, तो ये 7 चला। ठीक है, 7 किलोमीटर चला, क्योंकि ये 3 था तो 3 से ज्यादा ही चलेगा। तो अंत में किस दिशा की तरफ जा रहा है? अब ये कौन सी दिशा भाई, ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है? नॉर्थ है। ठीक, तो आंसर क्या बोल दोगे इसका? उत्तर आएगा डी। इतना आपको करना पड़ा, डायग्राम बनाना पड़ा। मान लो अगर ये मैंने सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन बड़ा होता कि 5 किलोमीटर चला, फिर 7 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चला, फिर 12 किलोमीटर चला, तो आप सबका बनाते जाते। तो इस केस में क्या करना है आपको, जो मैंने बताया अभी प्रीवियस क्वेश्चन में वही आपको करना है कि आपसे जितना भी लेफ्ट और राइट टर्न बोल रहा है वो लिख लो। जैसे आपसे बोला कि वो शुरुआत, पहले तो शुरुआती डायरेक्शन लिख लो, पहले शुरुआत में किस डायरेक्शन में हो? दक्षिण में है, साउथ वाले डायरेक्शन में है। ठीक है, उसके बाद से जितनी भी लेफ्ट और राइट टर्न है वो लिख लो। जैसे पहले कौन सा है? दाहिने मुड़ता है मतलब राइट टर्न लेता है। उसके बाद ये 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर का कोई मायने नहीं है इसमें, क्योंकि आपको क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन पूछ रहा है। उसके बाद से कितना चलता है? फिर दाहिने मुड़ता है, जहां जहां दाहिने हैं वो ले लो, फिर राइट टर्न लेता है। ठीक, उसके बाद से 5 किलोमीटर चला, दाहिने मुड़ा, 2 बार राइट टर्न लिया है तो 2 बार ले लो, बाकी उसके बाद कुछ नहीं है इसमें। तो 2 राइट टर्न लिया है तो इसमें लेफ्ट तो है नहीं कि कैंसिल करोगे, 2 राइट है, तो सपोज करो 2 राइट है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां देखो बताता हूं कि 2 राइट में क्या होता है, 2 लेफ्ट में क्या होता है, और 3 राइट में और 3 लेफ्ट में क्या होता है। ये डायरेक्शन है आपके पास नॉर्थ, जब यहां से आप राइट टर्न लोगे, एक राइट टर्न लोगे तो ईस्ट की तरफ पहुंचोगे, दूसरा राइट टर्न लोगे तो कहां पहुंचोगे? साउथ की तरफ पहुंचोगे। मतलब जब भी आप किसी भी डायरेक्शन से 2 राइट टर्न लोगे तो उसके जस्ट अपोजिट वाले डायरेक्शन में पहुंच जाओगे आप। ठीक है, 2 राइट टर्न लोगे चाहे 2 लेफ्ट टर्न लोगे, जैसे नॉर्थ में जा रहे हो, यहां से अगर लेफ्ट टर्न लिए, ठीक, 1 लेफ्ट टर्न लोगे तो यहां वेस्ट में आओगे, 1 लेफ्ट टर्न लोगे तो साउथ में चले आओगे। मतलब ये कि अगर आप 2 लेफ्ट लेते हो या 2 राइट लेते हो तो आप कहां पहुंच जाओगे? जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट में पहुंच जाओगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। ठीक, तो ये याद रखो, जब भी 2 राइट आए चाहे 2 लेफ्ट आए, तो जो भी डायरेक्शन में अभी तुम हो शुरुआत में उसके जस्ट अपोजिट में हो जाओगे। तो डायरेक्ट यहीं से आंसर आ गया कि अगर साउथ में वो इंसान है शुरू में फेस कर रहा है तो 2 बार राइट घूमा है तो कहां पहुंच जाएगा वो? सीधे साउथ का क्या हो जाएगा? अपोजिट, नॉर्थ में पहुंच जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नॉर्थ हो जाएगा। आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा, इसी में आ जाते हैं, 2 राइट की बात हो गई, अब मैं इसी में 3 राइट और की बात कर लेता हूं और 4 राइट की बात कर लेता हूं। देखो आगे आपसे क्वेश्चन इस पे मिलेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, एक बार टर्न लिए राइट टर्न, क्लॉकवाइज में होता है,
तो ईस्ट में पहुंच गए, दूसरी बार टर्न लिए तो साउथ में पहुंच गए, दो राइट टर्न पे आप अपोजिट में पहुंच जाते हो, तीसरी बार राइट टर्न लिए तो वेस्ट में पहुंच गए। तो हम कह सकते हैं कि तीन राइट टर्न या तीन लेफ्ट टर्न, तो तीन राइट टर्न बराबर हो जाएगा आपका, या तो तीन राइट टर्न लेके वेस्ट में आओ, या तीन राइट के बजाय एक क्या कर लो, एक आप राइट टर्न ले लो, एक तीन राइट के बजाय एक लेफ्ट टर्न ले लो, बराबर होगा। देखो तीन राइट टर्न लिए तो वेस्ट में आए, और यहां से नॉर्थ में थे तो अगर नॉर्थ से एक वेस्ट आपका लेफ्ट टर्न ले लें तो हम वेस्ट में पहुंच जाएंगे, तो तीन राइट एक लेफ्ट के बराबर हो जाएगा। वैसे ही अगर हम तीन लेफ्ट की बात करें, ठीक है, सपोज करो यहां नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक, तीन हम लेफ्ट की बात करें, मान लो नॉर्थ में हो, नॉर्थ से तीन लेफ्ट चलें, एक लेफ्ट यहां पहुंचेंगे वेस्ट में, एक लेफ्ट साउथ में पहुंचेंगे, एक लेफ्ट, तीन लेफ्ट हो गया, ईस्ट में पहुंचेंगे। तो तीन लेफ्ट में हम ईस्ट में पहुंचेंगे, अगर हम नॉर्थ से डायरेक्ट ईस्ट में जाना हो तो हम क्या करेंगे, या तो तीन लेफ्ट लेंगे या यहां से एक राइट ले लेंगे, यही होगा। अगर हमें इस डायरेक्शन ईस्ट की तरफ जाना है तो या तो हम नॉर्थ से एक राइट ले लें या हम नॉर्थ से तीन लेफ्ट ले लें, तो हम एक ही डायरेक्शन पे पहुंचेंगे, कौन सा होगा वो, ईस्ट डायरेक्शन होगा। तो वही बोल सकते हैं, या तो तीन लेफ्ट बराबर एक राइट, या तीन राइट बराबर, मतलब तीन बार दाएं घूमने से बढ़िया है एक बार लेफ्ट घूम जाओ, मतलब एक बार बाएं घूम जाओ। तो ये याद रखना कि दो राइट या दो लेफ्ट हो तो आपका अपोजिट डायरेक्शन आ जाता है, विपरीत दिशा आ जाती है, या आपका तीन राइट है तो एक लेफ्ट हो जाएगा, और तीन लेफ्ट है तो एक राइट हो जाएगा आपका, ये याद रखना। चलो ये तो इस पे हो गया, चार राइट की बात कर लेते हैं आपसे, कि अगर आपको चार बार घूमना हो किसी भी, ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। सपोज करो आप उत्तर की तरफ खड़े हो मुख करके, वहां से आपको राइट टर्न लेना है, जब से राइट टर्न लिए तो ईस्ट में पहुंचोगे, पहला राइट टर्न, दूसरा राइट टर्न लिए तो साउथ में पहुंचोगे, तीसरी बार जब दाएं घूमोगे तो वेस्ट में पहुंचोगे, और चौथी बार घूमोगे तो कहां पहुंच जाओगे, जहां से शुरू किए थे वहीं पहुंच जाओगे। वैसे ही लेफ्ट में भी होगा, यहां से एक लेफ्ट लोगे तो यहां पहुंचोगे वेस्ट में, एक लेफ्ट लोगे तो फिर साउथ में, फिर ईस्ट में, फिर नॉर्थ में। मतलब या तो अगर चार राइट पहुंचते हो लेते हो टर्न, घूमते हो चार बार राइट, मतलब चार बार दाहिने घूमते हो, या चार बार लेफ्ट घूमते हो, ठीक, बाएं घूमते हो चार बार, तो आप उसी दिशा में पहुंचोगे जिस दिशा में पहले आप थे। तो ये ध्यान रखना, जितना मैंने बता दिया कि दो बार राइट में क्या होता है, दो बार लेफ्ट में क्या होता है, और तीन बार राइट अगर मुड़ते हो तो क्या होता है, और चार बार राइट मुड़ते हो तो क्या होता है। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यदि आप एक स्थान से पूरब की ओर दौड़ना शुरू करें, चार किलोमीटर दौड़ने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़े, और पांच किलोमीटर दौड़ने के बाद फिर बाईं ओर मुड़कर छह किलोमीटर दौड़े, और दौड़ समाप्त करने से पहले एक बार फिर बाईं ओर घूमकर एक किलोमीटर दौड़े, तो दौड़ समाप्त करते समय आप किस दिशा में जा रहे हैं। लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है कि लास्ट में आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो यह भी आपका पहले टाइप का ही क्वेश्चन है, तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। मैंने आपको जो बताया कि आप पहले स्टार्टिंग डायरेक्शन जो आपको दिया है वो लिख लो। स्टार्टिंग डायरेक्शन आपका क्या दिया भाई, पूरब दिया है, मैं लिख लेता हूं ईस्ट, यहां पे ईस्ट मतलब पूरब होता है, स्टार्टिंग डायरेक्शन आपसे दिया गया है यहां पे। अब हमें क्या क्या कलेक्ट करना है, कितनी बार दाएं मुड़ा है और कितनी बार बाएं मुड़ा है वो कलेक्ट कर लो। देखो कितनी बार है, यहां से एक स्थान पूरब की ओर दौड़ना शुरू किया, चार किलोमीटर दौड़ने के बाद वो बाईं ओर मुड़ा, दौड़ने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ा मतलब लेफ्ट मुड़ा, एक लेफ्ट हो गया, और फिर पांच किलोमीटर दौड़ने के बाद फिर अपने बाईं ओर मुड़ा, दूसरी बार बाईं हो गया, चलो दो लेफ्ट हो गया, मुड़कर छह किलोमीटर दौड़ा, ठीक, उसके बाद दौड़ समाप्त करने से पहले एक बार फिर बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, फिर से तीन बार लेफ्ट हो गया ये दौड़ समाप्त करने के समय। अब इसके बाद कोई है और डायरेक्शन दिया आपका, कितनी मतलब कितनी बार घूमा है, यहां पे एक बार बाएं मुड़ा है, उसके बाद फिर अपने बाईं ओर मुड़ा, फिर यहां दौड़ा, फिर दौड़ समाप्त करने के, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ा, मतलब तीन बार लेफ्ट आपका टर्न दिया है। तीन बार लेफ्ट टर्न दिया है, तो मैंने आपसे क्या बताया था भाई कि अगर तीन लेफ्ट टर्न हो
जैसे ये डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जब भी आपसे तीन लेफ्ट टर्न आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया, तीन लेफ्ट मतलब यहां जो है उससे एक राइट, तीन लेफ्ट मतलब एक राइट हो जाएगा। तो अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में हो, मतलब ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हो, तो अगर एक राइट घूम जाओगे, एक राइट मतलब क्या, ये राइट होता है क्लॉकवाइज में, हमेशा जब दाएं मुड़ना तो क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा यही होती 90 डिग्री, दाएं घूमने मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री में घूमना है आपको। तो यहां आ जाएगा साउथ में आ जाओगे जब एक राइट टर्न लोगे, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट साउथ हो जाएगा, मतलब दक्षिण हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगर तीन लेफ्ट ही आ गया आपका, यहां से कोई चीज कैंसिल नहीं हो रहा है, तो तीन लेफ्ट लेते, अगर ईस्ट की तरफ है तो हम तीन लेफ्ट लेंगे, तो पहला लेफ्ट यहां आएगा एंटी क्लॉकवाइज में, दूसरा यहां और तीसरा यहां, तभी भी हम साउथ में आएंगे, दोनों से कर सकते हो। ये अगर याद है कि तीन लेफ्ट का मतलब एक राइट होता है, तो जान लो हम ईस्ट में खड़े हैं, तो ईस्ट का अगर राइट हम मुड़ेंगे, तो ईस्ट से जैसे राइट मुड़ेंगे कहां पहुंच जाएंगे, हम साउथ में पहुंच जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका, तो तीन लेफ्ट मतलब एक राइट, तो इससे डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रहा है आपसे कि श्याम अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब वो किस दिशा में ओर जा रहा है? अब यहां पे आपसे डिस्टेंस भी दिया है हर पा, अगर आप बेसिक से करते तो सबका डिस्टेंस बनाते, ये 5, ये 2, फिर यहां दाएं से मुड़ा, फिर 3, तो वो लंबा पड़ता। अभी मैंने जो आपसे बताया कि पहले क्या करो, सिंपल सी बात है, हर जगह ये डायरेक्शन प्लॉट कर लो, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ये तो हर जगह आपके जब भी सवाल लगाओ ये प्लॉट किए रहो डिस्टेंस आपका डायरेक्शन में, क्योंकि जब तक ये आपको पता रहेगा तभी ये आपका मजा आएगा करने में इसे। ठीक, अब इसमें जो दे रहा है आपसे कि स्टार्टिंग डायरेक्शन उसकी क्या है, उत्तर की तरफ है, तो लिख लो भाई नॉर्थ में पहले फेस कर रहा है, चलो लिख लिए। उसके बाद जितने राइट और लेफ्ट है उनको लिखते जाओ, जैसे यहां से चला 3 किलोमीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा मतलब राइट टर्न लिया, एक राइट ले लिख लिए हम, फिर वो दाएं मुड़ा, चलो राइट ले लिए, फिर 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, चलो तीसरा राइट हो गया, फिर 2 किलोमीटर चला और फिर दाएं मुड़ा, ये लो फिर दाएं मुड़ गया, 4 राइट हो गया। मतलब अभी तक वो किसना कितना चला, 4 राइट चला, राइट और लेफ्ट नहीं आया, मतलब दाएं और बाएं आता तो कैंसिल हो जाता। और मैंने आपसे क्या बताया था जब प्रीवियस करा रहा था, जब उसी में सब कॉन्सेप्ट बता दिया था कि 4 बार राइट हो या 4 बार लेफ्ट हो तो वो कहां इंसान पहुंच जाता है, वो जहां से स्टार्ट करता है वहीं पर सेम हो जाता है। जैसे यहां पे 4 बार अगर राइट घूमेगा तो फिर से तो वहीं पहुंच जाएगा, तो सिंपल सी बात है, जिधर नॉर्थ में था तो वो फिर से कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में ही पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर ये हो जाएगा, आपका आंसर भी उत्तर होगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। श्याम अपने घर से दक्षिण पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, ठीक, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा, लास्ट में यही पूछा किस दिशा में जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना नहीं है, सिर्फ एक डायग्राम आपके पेज पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायरेक्शन वाला, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और सब डायरेक्शन भी इसका होना चाहिए। ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट, और इसके साउथ ईस्ट होता है तो इसमें अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। ठीक है, तो ये होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व में वो फेस किया हुआ, तो पहले हम स्टार्टिंग डायरेक्शन लिख लेते हैं। दक्षिण पूर्व मतलब आपका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट में, ठीक है, ये दक्षिण पूर्व है, साउथ ईस्ट में उसका फेस है अभी। उसके बाद से वो क्या कहां मुड़ा है वो देख लो, एक दाएं ये मुड़ा, ठीक, तो एक राइट टर्न ले लो यहां पे, फिर वो दाएं मुड़ता है, एक राइट और ले लो, फिर 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है, लो भाई एक और राइट टर्न करा दिया हम इसे, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा। अब क्या हुआ, लास्ट में वो बाएं मुड़ गया है, मतलब एक लेफ्ट चल गया है, एक लेफ्ट चल गया। तो जितने राइट और लेफ्ट हो सबको ऐड कर लो, तो 3 राइट हो गया, 1 लेफ्ट हो गया आपका। तो इसमें से माइनस कर दो राइट और लेफ्ट में से, तभी तो घटेगा। तो जिसका वेटेज ज्यादा होगा
उसकी साइन आएगी, तो तीन में से एक जाएगा तो भैया दो बचेगा, और साइन किसकी आएगी राइट लेफ्ट में, राइट की साइन आएगी क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है, तो राइट दो राइट आएगा। ठीक, तो दो राइट आएगा, तो मैंने आपसे क्या बताया था कि अगर दो राइट टर्न आ जाए, दो बार दाएं घूमना हो या दो बार बाएं घूमना हो, तो आप जिस दिशा में हैं उस दिशा के विपरीत दिशा में चले जाओगे। तो किस दिशा में थे, दक्षिण पूर्व में थे, साउथ ईस्ट में थे, तो इसका विपरीत दिशा क्या होगा, अरे भाई साउथ का विपरीत क्या होता है, नॉर्थ, और ईस्ट का विपरीत क्या होता है, वेस्ट, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, देख लो यहां पे, ये साउथ ईस्ट है तो इसका विपरीत डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट ही तो है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो इसे आप बिना कलम उठाए बिना उसे सोचे कर सकते हो आराम से। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राम अपने घर से पश्चिम की तरफ जाता है, स्टार्टिंग डायरेक्शन दे दिया है यहाँ पे। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग दिया रहता है और लास्ट की डायरेक्शन पूछता है, यही टाइप वन है आपका। वो 25 बार दाएं मुड़ता है, फिर 10 बार बाएं मुड़ता है, 15 बार दाएं मुड़ता है, अंत में 11 बार बाएं मुड़ता है, तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, अभी सिंपल में था, अभी बोला 25 बार दाएं मुड़ता है, तो क्या आप पेज पे जब बनाओगे जनरल, तो क्या 25 बार दाएं में घुमाओगे इसे, ये लंबा नहीं जाएगा, तो इसीलिए इस पे काम करो कि इस पे क्या करना है आपको, राइट और लेफ्ट टर्न देखना है, उसे कैंसिल करना है, जो बचे उससे आपका आंसर निकालना है। तो सबसे पहला कि ये आपका डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक, अब आपसे जो बोला पहले स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या दिया, पश्चिम दिया, मतलब वेस्ट में है वो। ठीक, स्टार्टिंग डायरेक्शन है वेस्ट में। अब जितनी बार दाएं बाएं घुमा है, 25 बार की क्या घुमा है, 25 बार राइट टर्न लिया है, तो 25 आर लिख दिए हम। उसके बाद 10 बार बाएं मुड़ा है, तो 10 लेफ्ट लिख दिए। उसके बाद 15 बार दाएं मुड़ा, फिर 15 राइट लिख दिए भाई। चलो अंत में 11 बार बाएं मुड़ता है, ठीक है, ये दाएं हो गए, फिर यहां पे 11 बार बाएं मुड़ता है, ये लो 11 बार क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। सबको ऐड कर लो, लेफ्ट लेफ्ट एक साथ ऐड कर लो, राइट राइट एक साथ ऐड कर लो, तो 25 और 15 को एक साथ ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40। ठीक है, 40 राइट आ जाएगा, और आपका लेफ्ट लेफ्ट कितना हो जाएगा, 10 20 और 21, 21 लेफ्ट हो जाएगा। माइनस कर दो, जिसका वेटेज ज्यादा होगा जिस साइन का वो साइन आ जाएगा, 40 में से 21 जाएगा तो यहां 9 हो जाएगा, 3 में से तो जाएगा 19, 19 का क्या होगा यहां पे, राइट टर्न होगा, 19 राइट टर्न लेना है, 19 राइट टर्न लेना है भाई। ये 19 राइट टर्न में क्या आएगा, अभी तक तो हम जानते थे चलो 4 राइट टर्न होता है तो सेम पे पहुंच जाते हैं, 3 राइट टर्न होगा तो एक लेफ्ट पे पहुंच जाएंगे, मतलब एक लेफ्ट के बराबर होता है, तो 19 राइट क्या होगा। तो जब इतना आपको पता है कि 4 बार राइट घूम जाए या 4 बार लेफ्ट घूम जाए हम उसी डायरेक्शन में आ जाते हैं, इसका मतलब 4 के जितने मल्टीपल होंगे उससे अगर हम उतना बार जाएं तो वो उसी डायरेक्शन में होगा, तो सीधी सी बात है 19 है उसको 4 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा 16, 4 बार में रिमाइंडर कितना बच जाएगा, इसका रिमाइंडर बचेगा 3, 16 3 19 4 बार चला गया, तो इसका मतलब 4-4 में तो सेम ही डायरेक्शन आएगा, मगर रिमाइंडर आया 3, तो इसका मतलब क्या आया, 3 राइट टर्न आया, जो रिमाइंडर आया वो 3 राइट टर्न आया। 16 तो आपके 4 के मल्टीपल हो गए, 16 3 19 ही तो होता है, 16 आपका 4 का मल्टीपल हो गया, तो इतनी बार 16 बार घूमने में तो वो उसी डायरेक्शन में पहुंचा, 3 एक्स्ट्रा हो गया, तो 3 राइट टर्न मतलब क्या होता है भैया, 3 राइट मतलब होता है एक का जो यहां साइन होगा उसका जस्ट उल्टा, एक का लेफ्ट। ठीक है, 3 राइट मतलब एक लेफ्ट, तो 3 राइट मतलब एक लेफ्ट, तो हम किस दिशा में थे, वेस्ट में थे, वेस्ट दिशा है स्टार्टिंग की, उसका अगर हम एक लेफ्ट चल जाए तो कहां पहुंच जाएंगे, देखो वेस्ट में है वो, अगर यहां से हम लेफ्ट चले एक, तो लेफ्ट मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जैसे चलोगे तो कहां पहुंच जाओगे, साउथ में पहुंच जाओगे, तो वेस्ट का क्या हो जाएगा यहां पे, लास्ट में इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण दिशा में।
या तीन बार आपसे क्या बोला, राइट बोला है, तो आप किस डायरेक्शन में हो, वेस्ट में हो, तो तीन बार राइट चलोगे तो एक दो तीन तभी भी साउथ में पहुंचोगे। तो बात वही है, जैसे करना हो आपको, ठीक। तो ये आपका आंसर क्या होगा, दक्षिण आएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें आपका रोटेशन पे आ गया, दक्षिणावर्त और वामावर्त पे सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, जो राइट और टर्न, क्योंकि मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, राइट टर्न जब 90 अंश के कोण पे होता है उसी को क्या बोलते हैं, आपका राइट टर्न बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है भाई, 90 डिग्री होता है तो ये लेफ्ट टर्न होता है। एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करते हो तो ये लेफ्ट टर्न के बराबर होता है। अगर 90 डिग्री रोटेट करते हो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, तो वो लेफ्ट टर्न के बराबर होता है। बस उसी पे आपको इस पे काम करना है। बोला एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुकर के खड़ा है, ठीक। वो पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री, फिर वामावर्त 135 डिग्री, फिर वामावर्त 90 डिग्री घूमता है, फिर दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमता है, तो किस दिशा में वो मुख करके खड़ा है। इसमें भी आप क्या करोगे, पहले जो ट्रेडिशनल है आपको, यहां नॉर्थ बनाओ, यहां साउथ बनाओ, यहां ईस्ट बनाओ, यहां वेस्ट बनाओ, और इसके सब डायरेक्शन बना लो। नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये आपका क्या हो गया साउथ ईस्ट, और ये साउथ वेस्ट बना लिए। अब जैसे जैसे बोलेगा, बोलोगे कि उत्तर पश्चिम में कोई खड़ा है, ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक। तो आप उत्तर पश्चिम में कोई खड़ा है तो उत्तर पश्चिम आपका यही हुआ नॉर्थ वेस्ट, इस डायरेक्शन में करके खड़ा है। उसके बाद पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, क्लॉक वाइज में वो 90 डिग्री घूमेगा, तो क्लॉक वाइज में 90 डिग्री घूमेगा तो यहां पहुंच जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में पहुंच जाएगा। उसके बाद पहले बार तो टर्न हुआ, यहां पहुंचा, उसके बाद बोले वामावर्त में 135 डिग्री घूमेगा, ठीक है, 135 डिग्री घूमेगा, इसका मतलब फिर यहां से वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो 90 ये और 45 ये, तो 135 डिग्री आपका यहां पे हो जाएगा, तो वेस्ट में चला आएगा, तो दूसरी बार में यहां आया, पहले वहां गए फिर वहां से ये, फिर उल्टा है। फिर आपसे क्या बोले, वामावर्त 90 डिग्री जाएगा, फिर यहां से वामावर्त 90 डिग्री जाएगा तो यहां पहुंच जाओगे तीसरी बार में साउथ में। फिर दक्षिणावर्त में 180 डिग्री घूमना है आपको, फिर क्लॉकवाइज 180 घूमोगे तो कहां पहुंच जाओगे, फिर यहां पहुंच जाओगे, क्योंकि यहां से 180 डिग्री जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे, साउथ में, नॉर्थ में पहुंच जाओगे ऐसे, ठीक। तो यहां पहुंच जाओगे तो ये कितना हो गया आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री पे यहां पहुंच जाओगे नॉर्थ में, तो ये आपके चौथी पोजिशन, मतलब इतनी बार घूमोगे तब आपका आंसर आएगा। मगर ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको इस क्वेश्चन को जैसे मैंने आपको राइट और लेफ्ट टर्न वाला बताया था वैसे ही क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज को लिखना है। जैसे इसमें बोला उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम मतलब क्या हुआ, पहले यहां लिख लो नॉर्थ वेस्ट, मेन स्टार्टिंग डायरेक्शन है हमारी, उसके बाद से वो कितना घुमा है क्लॉक वाइज में, दक्षिणावर्त 90 डिग्री घुमा है, तो लिख लो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। उसके बाद वामावर्त कितना घुमा है 135 डिग्री, ये लिख लो एंटी क्लॉकवाइज है भैया। उसके बाद आगे है, फिर वामावर्त है कितना 90 डिग्री, ये लो 90 डिग्री क्लॉक वामावर्त है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अगला क्या है, फिर दक्षिणावर्त 180 डिग्री, फिर मतलब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें जो सेम हो उसमें काट दो, जैसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये तो दोनों सेम होंगे। अगर आप 90 अंश के घड़ी की दिशा में घूमो और विपरीत दिशा में घूमो तो वहीं पहुंच जाओगे, सेम वही हुआ कि एक बार लाइट राइट टर्न लो, एक बार लेफ्ट टर्न लो, तो सेम वहीं पे पहुंच जाओगे। तो ये 90-90 आपका कट गया, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। आपके पास बचा कितना 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। हाँ, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज है, एक सौ लास्ट में यहां पे दक्षिणावर्त है, तो क्लॉकवाइज है 180 डिग्री, आपको घड़ी की दिशा में घूमना है, तो 180 डिग्री आपका क्लॉकवाइज बचा और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा, तो इसमें से माइनस कर दोगे, तो माइनस कर दोगे तो कितना आएगा भाई 5 और यहां पे 4, तो 45 डिग्री आपका क्या आएगा, किसका वेटेज ज्यादा है, क्लॉकवाइज का ज्यादा है ना 180 इसके साथ, तो क्लॉकवाइज, तो मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा इसका,
फाइनल। तो 45 डिग्री जिस दिशा में था वो किस दिशा में था, नॉर्थ वेस्ट में था, ठीक। तो नॉर्थ वेस्ट में था तो 45 डिग्री वो घूमेगा कहां, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज जब घूमेगा, यहां नॉर्थ वेस्ट में है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है आपका और ये वेस्ट है। तो अब इसे 45 डिग्री घूम रहा है, तो जब 45 डिग्री ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहां से यही तो क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि आपका डायरेक्शन क्लॉक का क्या है, यही है। तो ये 45-45 डिग्री पे होते हैं, मैंने आपको बताया था शुरू में ही। तो ये 45 डिग्री जैसे घूमेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा उत्तर, नॉर्थ में, ठीक। तो ये आपका था सेम वाई कॉन्सेप्ट है आपका, जहां राइट टर्न था वहां पर क्लॉकवाइज लिख दिया, जहां लेफ्ट था वहां एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया, ठीक। तो आपको इसमें भी वही करना है, शुरुआत की स्टार्टिंग डायरेक्शन आपको लिखना है, स्टार्टिंग डायरेक्शन के बाद जितने क्लॉकवाइज हैं जितने एंटी क्लॉकवाइज हैं सबको एक साथ सम कर लो, उसमें से घटा दो जिसका वेटेज हो वो लिख लो पहले कि कितना है, और उस डायरेक्शन से जो आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन दिया है उस डायरेक्शन से उतने रोटेशन मूव कर जाओ। जैसे यहां आया कितना 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो मैं यहां से क्या किया, नॉर्थ वेस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया तो मैं उत्तर में पहुंच गया, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है, बना लेते हैं इसे डायरेक्शन को, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, हमें सिर्फ क्वेश्चन जैसे करना है वैसे करेंगे, कि वो दक्षिण पश्चिम में खड़ा है मुख करके, दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट में उसका मुख है, पहले स्टार्टिंग डायरेक्शन लिख लिए, उसके बाद जितने क्लॉकवाइज हैं उनको एंटी क्लॉकवाइज को लिखो, दक्षिणावर्त 180 डिग्री, तो 180 डिग्री मैंने लिख लिया क्या भाई क्लॉकवाइज, उसके बाद फिर वामावर्त 135 डिग्री, 135 डिग्री क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। उसके बाद फिर वामावर्त कितना हो गया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वामावर्त है, फिर वामावर्त 90 डिग्री, ये लो भाई फिर वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। इतनी बार है घूमा मैंने सब लिख लिया, अब सबको जब सम करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा 135 डिग्री, 270 डिग्री और 90, तो 360 डिग्री हो जाएगा टोटल, 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पे एक 180 डिग्री बचा है क्या क्लॉकवाइज, ठीक। तो वेटेज किसका ज्यादा है जब माइनस करोगे, तो 180 आएगा 360 से माइनस करोगे तो, 180 में किसका होगा साइन क्लॉकवाइज का कि एंटी क्लॉकवाइज का, एंटी क्लॉकवाइज का, क्यों, क्योंकि 360 इसके साथ लगा हुआ है, तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त हमें घूमना है, जो दिशा हमारी शुरुआत में दी है उसके 180 डिग्री घूमना है। तो जानते हो 180 मतलब क्या होता है भाई, 180 में कोई भी डायरेक्शन जब 180 उस डायरेक्शन से 180 डिग्री चाहे क्लॉकवाइज घूम जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ तो उसके विपरीत दिशा में पहुंच जाओगे। जैसे वहां होता था लेफ्ट और राइट में, मैं बताता था कि दो राइट ले लिए या दो लेफ्ट ले लिए तो क्या होता है, हर एक राइट में 90 टर्न होता है 90 डिग्री का, तो दो राइट मतलब 180 डिग्री हो गया। सेम वही कंडीशन है यहाँ पे, दो 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो वही बात है कि 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब दो बार लेफ्ट 90 का, तो यही है एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना है। आप किस दिशा में हो, दक्षिण पश्चिम में हो मतलब साउथ वेस्ट में हो, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें जाना है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, साउथ का अपोजिट क्या होता है नॉर्थ, और वेस्ट का अपोजिट क्या होता है ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर होना चाहिए, तो उत्तर पूर्व होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पे थे क्या था आपका, आया साउथ वेस्ट था, हमें 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो साउथ वेस्ट हमारा यहां है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दिशा होनी चाहिए, तो यहां से जब घूमोगे 180 डिग्री तो यही तो पहुंचोगे नॉर्थ ईस्ट में, तो वही नॉर्थ ईस्ट मैंने निकाला यहां पे डायरेक्ट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अब टाइप टू है, ये टाइप टू क्या है भाई, देखो लिखा भी है मैंने, लिख दिया है टाइप टू, जब अंत की दिशा दी गई हो, ठीक है, शुरुआत की दिशा अभी तक दी गई होती थी आपको अंत की दिशा निकालनी होती थी, टाइप टू में क्या है कि अब अंत की दिशा आपको दी रहेगी और स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालना होगा, बीच में कुछ भी बवाल रहे उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक। जब तक आपसे जो है डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट ना पूछे, ठीक है,
तब तक आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, या डिस्टेंस ना पूछे तब तक कोई जरूरत नहीं है आपको डायग्राम बनाने की। चलो देख लेते हैं, श्याम अपने घर से 3 किलोमीटर चला, यहां स्टार्टिंग डायरेक्शन आपका नहीं दिया, वहां पे पहले टाइप में दिया होता था कि श्याम उत्तर में 3 किलो उत्तर की तरफ है और 3 किलोमीटर चला, अब यहां नहीं दिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है मैं बता रहा हूं। चलो फिर वो दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, अब अपने आपको उत्तर दिशा में पाता है, मतलब इतना सब घूमने के बाद लास्ट में वो अपने आप को किस दिशा में पाता है भाई साहब, उत्तर दिशा में पाता है। ठीक है, तो बताओ श्याम ने प्रारंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया था, मतलब स्टार्टिंग डायरेक्शन उसकी क्या थी जब वो शुरू किया था चलना अपने घर से, ये आपसे पूछ रहा है। तो भैया हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन तो पता नहीं है, चलो क्वेश्चन मार्क लगा दिए हम, स्टार्टिंग डायरेक्शन में पता होता था तो अब सब प्रोसीजर वैसे ही फॉलो करना है जो हम टाइप 1 के लिए करते थे। ठीक है, तो आपका पहले यहां फिगर तो ये बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो बना लेते हैं भाई, पहले जितना दाएं बाएं है सब लिख लेते हैं, पहले बार कहां मुड़ा है यहां देख लो, दाएं मुड़ा, चलो हमने राइट टर्न ले लिया, उसके बाद 5 किलोमीटर चला इसका कोई मौजूद नहीं है, फिर दाएं मुड़ा मतलब एक और राइट हो गया, 4 किलोमीटर चला फिर दाएं मुड़ा चलो एक और राइट हो गया, फिर वो बाएं मुड़ा चलो लेफ्ट हो गया, कितने हो गए 3 दाएं हो गए थे, राइट राइट राइट, फिर बाएं हो गया चला, फिर वो उत्तर दिशा में अपने आप को पता, मतलब ये सब है इतना, 3 राइट मुड़ा और 1 लेफ्ट मुड़ा, तो वही काम करते हैं राइट लेफ्ट को कैंसिल कर देते हैं, जैसे 1 राइट है तो 1 लेफ्ट से कैंसिल हो जाएगा, 2 राइट बच जाएगा, 2 राइट बच गया भाई। तो चाहे आपका आंसर क्या होगा, 2 राइट 2 लेफ्ट, वहां पे जानते थे कि अपोजिट होता था, जब भी 2 राइट हो चाहे 2 लेफ्ट हो, तो यहां क्या करना है आपको, जो भी यहां आता है क्योंकि आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन पता करना है, लास्ट की डायरेक्शन यहां दिया हुआ, लास्ट में कौन सी दिशा में है वो, नॉर्थ में है उत्तर में है, ठीक है नॉर्थ में है, तो ये जो भी यहां पे आएगा कटने के बाद माइनस करने के बाद लेफ्ट और राइट में, उसको डायरेक्शन चेंज कर देना, जैसे यहां 2 राइट आया तो इसको 2 लेफ्ट लिख देना। ठीक है, बस यही काम करना है जब आपका टाइप 2 आए, हूबहू टाइप 1 की तरफ होगा, सब कुछ करने के बाद लेफ्ट और राइट निकालने के बाद माइनस करने के बाद जो आपका लास्ट वाला आता है, चाहे वो 1 राइट टर्न आए तो उसको क्या करना है आपको, कन्वर्ट कर देना है उसके अपोजिट में लेफ्ट में, अगर 3 राइट आए तो आपको क्या कन्वर्ट कर देना है 3 लेफ्ट में, 1 राइट आए तो 1 लेफ्ट में, 2 लेफ्ट आए तो 2 राइट में, ऐसे कन्वर्ट करना है, जैसे यहां आया 2 राइट तो 2 लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो। आप जानते हो 2 राइट हो या 2 लेफ्ट हो, हमेशा इंसान जिस डायरेक्शन में था उसके अपोजिट में पहुंच जाएगा, इसका मतलब अभी वो उत्तर में है तो शुरुआत में वो कहां रहा होगा, हम 2 लेफ्ट ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा उससे, तो हम उत्तर में है इस समय, लास्ट डायरेक्शन उसकी है तो शुरुआत डायरेक्शन के लिए 2 लेफ्ट हमें जाना पड़ेगा, तो 2 लेफ्ट लोगे तो कहां पहुंच जाओगे, उसके विपरीत डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, मतलब साउथ में पहुंच जाओगे। ठीक है, 2 लेफ्ट है या 2 राइट हो हमेशा विपरीत में ही पहुंचोगे, तो यहां 2 राइट आया था तो उसका हम पहले उल्टा कर लेंगे 2 लेफ्ट कर लेंगे, तो उस 2 लेफ्ट में क्या जानते हो कि हाँ लास्ट में उत्तर है, तो उत्तर से 2 लेफ्ट क्या होगा, यहां से 2 लेफ्ट चलोगे तो 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट साउथ में पहुंच गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, दक्षिण हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम अपने घर से 10 किलोमीटर चला, फिर वो दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, अब वो अपने आप को उत्तर पूर्व दिशा में पाता है, तो बताओ स्टार्टिंग डायरेक्शन उसकी क्या थी। आपसे सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछा है, लंबा सा खींच के ले गया आपको। ठीक, तो अब क्या करना है, सेम आपसे वही करना है, स्टार्टिंग आपको पता नहीं है क्वेश्चन मार्क लगा दो भैया, जितनी बार राइट और लेफ्ट टर्न बोले उतना लिखते जाओ, एक बार दाएं है राइट हो गया, उसके बाद से यहां पे क्या है भाई, बाएं मुड़कर चला चलो लेफ्ट हो गया, दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा चलो राइट टर्न ले लिए, फिर बाएं मुड़ा लेफ्ट टर्न ले लिए, उसके बाद 3 किलोमीटर फिर बाएं मुड़ा फिर लेफ्ट टर्न ले लिए,
फिर आपका राइट टर्न मुड़ा, यहां देखो दाएं मुड़ा, लिखते चले जाओ जितनी बार दाएं बाएं मुड़ रहा है। अब उसके बाद कुछ नहीं है, लास्ट में बोल रहा है कहां पहुंच गए वो, उत्तर पूर्व में है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, लास्ट की डायरेक्शन दिया है। यहां स्टार्टिंग में आपको पता नहीं है इसका डायरेक्शन, वहां वाले फर्स्ट टाइम में ये पता होता था। राइट लेफ्ट के जितने कॉम्बिनेशन है कैंसिल कर दो, राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, सब कैंसिल हो गया भैया। जब सब कैंसिल हो गया इसका मतलब जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में वो रहेगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट में था तो नॉर्थ ईस्ट में ही रहेगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ही रहेगा, जिस डायरेक्शन में था उसी में रहेगा, उत्तर पूर्व में था तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व आ जाएगा, क्योंकि यहां कुछ बचा ही नहीं तो हम किसको चेंज करेंगे, तो जो डायरेक्शन था हमारा वही रह जाएगा, तो आंसर ए सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यही है, राम अपने घर से 10 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 8 किलोमीटर चला। चलो हम डायरेक्ट करते हैं इसे क्वेश्चन को कि क्या क्या है इसमें। स्टार्टिंग डायरेक्शन भाई आपको पता नहीं है, स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं पता है, और जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे चलते जाते हैं। दाएं मुड़ा पहला बार, राइट टर्न हुआ, पहला राइट टर्न हुआ, ये लो राइट टर्न हो गया, उसके बाद से फिर बाएं मुड़ा, लेफ्ट टर्न ले लिए हम 8 किलोमीटर के बाद, फिर दाएं मुड़ा, राइट टर्न हो गया, फिर यहां से बाएं मुड़ा, चलो लेफ्ट टर्न ले लिए, फिर बाएं मुड़ा, लेफ्ट टर्न ले लिए, उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, राइट टर्न ले लिए, फिर दाएं मुड़ा, ठीक। जो डिस्टेंस दिया उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि लास्ट में डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं हुआ, यह आपका हो गया, ठीक। उसके बाद से वो कहां पाता है अपने आप को, उत्तर पूर्व में पाता है, मतलब फिर से कहां पाता है, नॉर्थ, यहां पे ये कहां पाता है अपने आप को, नॉर्थ ईस्ट में पाता है। सब कुछ होने के बाद स्टार्टिंग डायरेक्शन आपको पता करना है, तो राइट लेफ्ट क्या कर लो भाई, कैंसिल कर लो, जैसे यहां पे राइट कितना है, एक राइट, दो राइट, तीन राइट, तीन राइट हो गया, और लेफ्ट कितना है, चार राइट है आपका, ये भी है राइट, एक यहां वाला, चार राइट है, और कितने लेफ्ट है, एक दो तीन लेफ्ट है, तीन लेफ्ट है, तो इसमें से जब माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, एक राइट बच जाएगा, एक राइट बचेगा, एक राइट आपका बचा, तो हमें क्या करना है यहां पे, आपको उल्टा करना है, जो बचता है उसको उल्टे डायरेक्शन में करना है, जैसे यहां राइट बचा तो हमें एक लेफ्ट कर देना है इसका, ये आपका टर्म सेम रहेगा, बस ये बदल जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट में हो जाएगा, लेफ्ट होगा तो राइट में होगा, अगर सपोज करो यहां एक लेफ्ट बचता तो ये क्या हो जाता, एक राइट हो जाता, ठीक। तो अभी आपके पास क्या बचा है, अभी आपके पास एक राइट बचा है तो वो क्या हो जाएगा, एक लेफ्ट हो जाएगा। तो अभी वो इंसान लास्ट में किस दिशा को फेस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है, अगर वहां से वो एक लेफ्ट हो जाए, जैसे यहां पे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है, और ये आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, तो अभी वो इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, अगर वहां से वो एक लेफ्ट टर्न ले ले, एक लेफ्ट टर्न मतलब क्या, 90 डिग्री, 90 डिग्री अगर एक लेफ्ट ले ले तो वह कहां पहुंच जाएगा, तो यहां से अगर 90 डिग्री वो लेफ्ट लेगा, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे मुड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो यहां कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ वेस्ट पे पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ वेस्ट पे पहुंच जाएगा, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा आपका, आंसर डी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ठीक, यह बड़ा कर दे रहा हूं, उत्तर पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, जितना बार हुआ था, राइट कितने बार था, चार राइट था, तीन लेफ्ट था, घटाए कितना आ गया, एक राइट आया, मगर हमें क्या करना है, सेकंड टाइप में जो आता है उसका उल्टा कर दो, एक राइट को हम एक लेफ्ट कर दिए, तो अभी वो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में है लास्ट में, तो वहां से हम एक लेफ्ट लेंगे, एक लेफ्ट मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल जाए, तो हम कहां पे आ जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में आ जाएंगे, तो हमारा नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति अपने घर से चलकर 65 बार बाएं, ठीक है देखना, 65 बार बाएं और 70 बार दाएं घूमता है, तो स्वयं को पूर्व दिशा में जाते हुए पाता है, तो प्रारंभ में उसकी दिशा क्या थी, मतलब स्टार्टिंग डायरेक्शन उसकी क्या थी, यहां पूछ रहा है आपसे, स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछ रहा है, लास्ट की डायरेक्शन दिया है, कितनी बार है भाई, 65 बार, 65 बार कितना क्या है,
बाएं मतलब लेफ्ट टर्न लिया है और 70 बार राइट टर्न लिया है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि किसी कोई व्यक्ति अपने घर से निकला, 65 बार दाएं घुमा, 70 बार 65 बार बाएं घुमा, 70 बार दाएं घुमा, तो अपने आप को किधर पाया? पूर्व दिशा में पाया। तो बताइए वो स्टार्टिंग डायरेक्शन कौन सी थी? तो आप क्या करोगे, लेफ्ट राइट आ गया, माइनस कर लो, जो बड़ा हो 70 बार राइट है 65 बार लेफ्ट है तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। 5 क्या आएगा, जिसका वेटेज ज्यादा होगा 5 राइट टर्न आएगा। ठीक है, 5 राइट टर्न आया। तो मैंने क्या बताया था आपसे, जब भी कोई आए 5 राइट आया तो आप इसे क्या करोगे, तो 5 राइट आया तो मैंने क्या बताया था सेकंड टाइम में, जब भी 5 राइट हो, जो भी आए लास्ट में आपका, जो भी बचे, चाहे एक लेफ्ट एक राइट, 5 राइट 5 लेफ्ट, कुछ भी बचे, बस उसका उल्टा कर देना। उल्टा मतलब जो टर्न है ना, राइट टर्न, दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना, उसको कन्वर्ट कर देना है। तो राइट है तो क्या हो जाएगा, 5 लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। तो 5 राइट को हम चेंज कर देंगे 5 लेफ्ट में। तो अब देखेंगे हमारी लास्ट में डायरेक्शन कौन सा दिया है, लास्ट में डायरेक्शन कौन सी दिशा को फेस कर रहा है, पूरब को, मतलब ईस्ट में, यहां ईस्ट दिया हुआ है, पूरब में है, तो 5 बार लेफ्ट बोल रहा है। ठीक है, 5 बार लेफ्ट हो जाएगा। तो आप सभी जानते हो कि 4 बार लेफ्ट हो या 4 बार राइट हो, हर केस में 4 बार लेफ्ट हो चाहे 4 बार राइट हो, इंसान वही डायरेक्शन में पहुंच जाता है जिधर वो रहता है। तो 4 का एक मल्टीपल इसके साथ होगा, जब 4 से इसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो एक लेफ्ट बचेगा, बाकी तो सेमी डायरेक्शन में होगा, एक लेफ्ट बचेगा। तो एक लेफ्ट मतलब क्या, अगर वो ईस्ट में है तो एक लेफ्ट ले ले, ईस्ट डायरेक्शन है तो आपका डायरेक्शन कौन सा, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो अगर वो इधर है तो एक लेफ्ट ले ले, तो एक लेफ्ट लेगा तो किधर पहुंच जाएगा भाई, नॉर्थ में पहुंच जाएगा। ठीक, वही तो बचा है यहां पे, क्योंकि 5 लेफ्ट आया था तो 4 तो में तो वो फिर से वही पहुंच जाएगा उसी डायरेक्शन में, एक लेफ्ट बच जाएगा। तो उसका एक लेफ्ट मतलब कि वो नॉर्थ में आ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर दिशा में वो चला आएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हो तो आप क्या करो, सिंपल सा, उसको जितनी बार लेफ्ट और राइट टर्न है लिखो, उसमें से माइनस करो, जिसका वेटेज ज्यादा हो उसे लिख लो कि यहां पे आ गया, 70 में से 65 माइनस किए तो 5 आर बच गया। ठीक, उसके बाद जो बचा उसको रिवर्स कर लो, जैसे 5 आर था तो उसको हम 5 लेफ्ट में कर लेंगे। ठीक, उसके बाद से फिर वही टाइप 1 वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, जितना बार भी लेफ्ट या राइट है उतना बार हम क्या करते हैं उसको, 4 से हर 4 के मल्टीपल पे क्या होता है, सेम डायरेक्शन आ जाता है, वही जिस डायरेक्शन में था, तो बस 4 से जैसे ही ज्यादा हो उसको 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आए देख लो कितना रिमाइंडर आया, उतना टर्न लास्ट वाला जो डायरेक्शन आपसे दिया गया है उसे मूव कर जाओ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपका डिग्री में आ गया, फिर से सेम चीज लगेगा जो मैंने टाइप 1 में बताया। इसमें भी क्या करना, लास्ट में जो आएगा उसका रिवर्स कर देना, जैसे आया क्लॉकवाइज लास्ट में, यहां क्योंकि स्टार्टिंग डायरेक्शन आपसे पूछा है, लास्ट में आपका डायरेक्शन दिया रहेगा लास्ट वाली, और यहां जो भी आएगा क्लॉकवाइज तो वो कन्वर्ट कहां हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में। अगर यहां एंटी क्लॉकवाइज आता है तो वो कहां कन्वर्ट हो जाएगा, क्लॉकवाइज में। ठीक, दक्षिणावर्त आता है तो वामावर्त में, और वामावर्त आता है तो दक्षिणावर्त में आपका चेंज हो जाएगा। चलो देख लेते हैं क्या आता है क्वेश्चन। एक मनुष्य किसी अज्ञात दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, पता नहीं है वो दिशा, तो वो पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, भाई लिख लेते हैं, पहले तो क्वेश्चन मार्क लगा लें क्योंकि हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं पता है, और 90 डिग्री किधर घूमता है, क्लॉकवाइज लिख लें, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। वामावर्त कितना, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद फिर वामावर्त है कितना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर दक्षिणावर्त है कितना, 180 डिग्री क्या आपका, क्लॉकवाइज। तो आप अपने आप को किस दिशा में पाता है भाई, उत्तर दिशा में पाता है। तो यहां लास्ट में कौन सी डायरेक्शन है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में अपने आप को पाता है। अब इसमें से हम कैंसिल कर देते हैं भाई चीज, ये 90 क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, 135 के बाद देखो ये वामावर्त है, एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाएगा, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कौन ज्यादा है भाई, 180 डिग्री क्लॉकवाइज ज्यादा है, उसमें से 135 डिग्री को घटा देंगे तो क्या आएगा, 45 डिग्री क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज का वेटेज ज्यादा है। तो जो भी आए, मैंने आपसे बताया था कि जो भी आए उसको क्या करो, चेंज कर दो। आया क्या हमारा, 45 डिग्री
क्लॉकवाइज आया, तो अब क्या करते थे हम पहले टाइप में ऐसे में ही आंसर निकाल लेते थे, अब हमें क्या करना है कि ऐसे में नहीं निकालना है, ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज चेंज हो जाएगा, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगा, वामावर्त में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो बस अब कौन से डायरेक्शन में थे, नॉर्थ में थे, वहां से हमें 45 डिग्री घूमना है, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक, तो यहां से नॉर्थ में से क्या कितना घूमना है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहां से घूमेंगे, यहां ये 45 डिग्री होता है, ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, ये 45 डिग्री 45 डिग्री, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती भाई, नॉर्थ वेस्ट होती है। तो कहां पहुंच जाएंगे हम, नॉर्थ वेस्ट में पहुंच जाएंगे, तो उत्तर पश्चिम में पहुंच जाएंगे, ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में। चलो तो बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक, इसमें आपको जितना बार लेफ्ट और राइट है प्लस क्लॉकवाइज रोटेशन है सबको मिक्स कर दिया गया है, और आपको आंसर बताना है, कौन सा आंसर बताना है कि मोहन प्रारंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया था, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपका जैकपॉट आज का क्वेश्चन है। तो ये डिस्टेंस डायरेक्शन के टाइप वन मैंने बता दिया और टाइप टू बता दिया, आगे के सेशन में हम टाइप थ्री टाइप फोर के बारे में चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताएंगे, उसी से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी लोग वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, धन्यवाद।